बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एन ऑब्जेक्ट विल ओनली एक्सेलरेट इफ देयर इज नेट फोर्स। एक बॉडी में सिर्फ उस वक्त एक्सेलरेशन पैदा हो सकती है जब नेट फोर्स होगी। इससे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। न्यूटन सेकंड लॉ में ये है, अगर नेट फोर्स होगी तो बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब जब नेट फोर्स होगी तो वो या तो बॉडी मतलब उसकी स्पीड में चेंज लाएगा या डायरेक्शन में या दोनों में। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल्स, द नेट फोर्स एंड एम। और जब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो दो तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड इट्स एक्सेलरेशन ए। यानी जो नेट फोर्स है ये किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और इस स्टेटमेंट को हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन द बॉडी। यानी जब नेट फोर्स होगी तो बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगी। और दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब नेट फोर्स होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स का। इसका मतलब ये है, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। दूसरा इसमें यह है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का। यानी अगर मास ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के यानी न्यूटन सेकंड लॉ को, तो इसका जो पहला हिस्सा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, नंबर वन। एंड जो दूसरा है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इक्वेशन टू। अगर हम कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तो हमारे पास ये आएगा ए एफ और एम। इसको हम यानी ए इज इक्वल टू के एफ एम, और इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं यानी एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब के की तरफ आते हैं कि के की वैल्यू क्या होगी उसमें, तो एफ एम इज इक्वल टू वन किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन अगर मास वन किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो फोर्स क्या होगा, वन न्यूटन होगा। तो अगर फोर्स जब वन न्यूटन, अगर इन वैल्यूज को हम पुट करें तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है, वन आती है। के की वैल्यू क्या आती है, वन। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें ये भी है कि अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगी तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। यानी द एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ द नेट फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ में ये भी है कि न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस दैट एक्सेलरेशन ए विल बी लार्जेस्ट व्हेन फोर्स एफ इज लार्ज एंड मास इज स्मॉल। यानी न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताती है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी जब नेट फोर्स ज़्यादा होगी, और मास क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो असल में बेसिकली क्या है कि जब हम बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। यानी एक्सेलरेशन कब, आपको पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है, जब यानी बॉडी की स्पीड में चेंज आता है या डायरेक्शन में चेंज आता है या दोनों में चेंज आता है तो बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगी। यानी एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होगी या एक्सेलरेशन उस वक्त होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जब बॉडी की स्पीड में या डायरेक्शन में या दोनों में चेंज आता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है ना,
तो फिर उस वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो एक्सेलरेशन क्या है, ये ज़्यादा होगी जब फोर्स ज़्यादा होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी जब फोर्स कम होगी, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी जब मास कम होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी जब मास जब कम होगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। अब न्यूटन को हम किस तरह, वन न्यूटन इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ वन किलोग्राम मास इन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। यानी अगर हम इतना फोर्स अप्लाई करें कि एक किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे वो कितना एक्सेलरेशन पैदा करे, वन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर होगा, वन न्यूटन के बराबर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।